ब्यावर में पैंथर ने 6 ग्रामीणों को किया जख्मी। ग्रामीणों द्वारा बचाव करते हुए चोट लगने से पैंथर की मौत। निकटवर्ती झांग पंचायत के रावला का बढ़िया गांव आबादी क्षेत्र में अल सुबह पैंथर ने गांव में घुसकर 6 ग्रामीणों को जख्मी कर घायल कर दिया। ग्रामीणों ने पैंथर के हमले को रोकने के लिए पैंथर को गांव से बाहर निकालने का प्रयास के दौरान पैंथर को गहरी चोट लगने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने घायल अमीन, इम्तियाज, फिरोज, इकबाल, महबूब और इरफान को राजकीय अमृत कौर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर उपचार जारी है। वन विभाग की टीम ने गाँव पहुंचकर पैंथर के शव को कब्जे में लेकर ब्यावर वन विभाग में ले गई है। वन विभाग के अधिकारी एम के सालवान ने बताया कि अवैध खनन के कारण जंगली जानवर खानों की खो में अपना बसेरा बना लेते हैं। पैंथर सहित जंगली जानवर खाने की तलाश में आबादी क्षेत्र में आकर पालतू जानवरों, बकरियों आदि और लोगों पर हमला कर रहे हैं। वन विभाग कर्मी जंगलों में जंगली जानवरों व वन की सुरक्षा के लिए प्रयासरत। सुबह जल्दी 5-6 बजे गांव में पैंथर घुस चुका था। पैंथर घुसने के बाद गांव वालों ने सबने एक दूसरे को बताया कि गांव में पैंथर आ गया है। पैंथर आ गया तो पैंथर आते ही हमने सबसे पहले पुलिस को और वन विभाग को सूचना दी। तो उनको सूचना देने के बाद भी कुछ घंटे हमने वेट किया, लेकिन वहाँ कोई प्रशासन नहीं आया। फिर हमने क्या किया, हमने गांव वालों मिलकर बोला इसको गांव से बाहर निकालो, ये पिछले दो दिन से भेड़ बकरियाँ वगैरह ये भी हमारा नुकसान कर रहा है, जानवरों नुकसान कर रहा है। फिर हमने इसको गाँव से बाहर निकालने की कोशिश की, उसको भगाने की कोशिश। उस समय क्या हुआ कि उसने हमारे कुछ बंदों पर हमला कर दिया। उसमें हमारे 6 बंदे गाँव के 6 बंदे काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम फिरोज खान है। विजयनगर रोड पे उसमें एक गांव के अंदर पैंथर आ गया था। सुबह सूचना मिली, स्टाफ आया, पर सुबह गांव वालों को कुछ सब पे हमला किया उसने, और फिर गांव वालों हमला किया गांव वालों पे, तो गांव वालों ने उस पर मतलब घेर के उसको मारा तो वो मर गया। कितने लोग घायल हुए सर इसके हमले से? 5 जने घायल होने की सूचना अभी तक। क्या लग पा रहा सर आखिर में इन जो पैंथर हैं जो इस ग्रामीण क्षेत्रों में या रूरल एरिया से जो जंगल से निकल कर इस बस्ती की ओर आ रहे हैं, तो उसमें क्या बस्ती की ओर तो नहीं है, लेकिन वो आसपास जंगल जो है राजसमंद ही पड़ता हमारा, उसके बाद में जो जंगल हैं चाहे उनको खाने का मिलता है या छुपने की जगह मिलती है, वहाँ से निकल के राजसमंद से निकल के इधर इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनके संरक्षण के लिए पैंथर प्रोजेक्ट भी हमने बनाया है, भेजा है हमने, जयपुर प्रस्ताव भेजा है, और स्टाफ की मांग कर रहे हैं, और रेस्क्यू सेंटर वगैरह उसमें इनके रखने के लिए एक जगह फिक्स करके। अब तक कितने मर चुके हैं सर? अब तो 6 करीब पैंथर मर चुके हैं 3-4 सालों में, 4-5 सालों में। तो क्या माना जाए सर, आखिर में कहीं ना कहीं इनके जो प्रजाति अपना आप इस तरह से लुप्त होती जा रही है, और जो ग्रामीण क्षेत्रों से की ओर कूच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जंगल के अंदर जो अवैध खनन या जिस तरह के जो हालात जो दिख रहे हैं उसको क्या लेकर? खैर अवैध खनन का जो है तो क्या कह सकते हैं, लेकिन वो खड्डे जो हैं अवैध खनन में छुपने को जगह मिल जाती है इनको, तो ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं, वहाँ छुप जाते हैं। लेकिन बाद में जब खनन करने वाले पहुँचते हैं तो उनको लगता है कि खतरा है इनसे, ये थोड़ी सी समझ।